प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को शहबाज शरीफ को दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए शहबाज शरीफ को शुभकामनाएं दी हैं। दरअसल बीते सोमवार को शहबाज के पीएम पद की शपथ के बाद भारत की ओर से बधाई संदेश न मिलने पर कई तरह की अटकलें शुरू हो गई थीं, लेकिन फिलहाल उन सभी अटकलों पर पूर्ण विराम लग गया है। अप्रैल 2022 में जब शहबाज शरीफ पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब भी पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्हें बधाई दी थी। उस दौरान मोदी ने कहा था कि भारत इस पूरे क्षेत्र में शांति व आतंकवाद मुक्त स्थिरता चाहता है, ताकि हम विकास की चुनौतियों पर ध्यान दे सकें और जनता की भलाई सुनिश्चित करें। पाकिस्तान की संसद भंग होने से पहले शहबाज शरीफ अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। इस बार वह पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार थे, जिन्हें सदन में 201 वोट हासिल हुए। वहीं जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के उनके प्रतिद्वंद्वी उमर अयूब खान को 92 वोट मिले। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें और लगातार दूसरी बार इस पद पर चुने जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने रविवार को शहबाज शरीफ को दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने पर बधाई दी थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देश उनके नेतृत्व में अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान को सभी क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना चाहिए।